हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं राउंड टू वर्ल्ड चैनल से जो हम लोग वीडियो देख रहे थे लैला मजनू, ठीक है, उसके कॉमेडी सीन्स। तो उसका आज ये पार्ट टू है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लैला, उस दिन जो अम्मी ने हमें पकड़ लिया था तो तुमसे कुछ कहा तो नहीं था? बाद में कहा तो नहीं था? तू तो वहां से भाग गया था मुझे अकेले को छोड़ के भाड़ू। सारी तोमते मुझ पे आ गई थी। अम्मी ने गांव में बहुत तगड़ा चिमटा फेरा, आज दिन तक नहीं बैठा गया मुझसे। पर क्या करूं, पागल आवारा दिल कभी मानता ही नहीं है, पूरी रात दिन यही चिल्लाता रहता है कैस कैस। अरे वाह, तुम चाहती क्या हो? चाहती तो मैं बहुत लंबा हूँ, पर क्या करूँ, मौका ही नहीं मिलता, हर जगह पकड़े जाते। लैला, आज बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, मेरा रिचार्ज करा दो, मैं जरा नागिन का सीरियल देखना चाहती हूँ। ए भोसड़ी की, तू बहुत चालू बन रही भाई, हम पर मोबाइल भी नहीं है, तेरा रिचार्ज करवा दे हम। तुमसे कभी किसी काम को किया होगा ना, तुमने मना ही किया होगा, मेरी फीलिंग नहीं समझते, कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, दिल में दिल ठोक के कह रही हूँ सारे जमाने के सामने कि कैश मेरा है। दिल में दिल ठोक के कह रही हूँ, भगवान कसम। लैला, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी लैला को कभी। गुस्ताख! और ये लोग वो आ गए? खबीस, हमारी इज्जत और आबरू से खेलता है साले। चल साले, आज तेरे बाप के पास ले आऊंगा तुझे मारता हुआ। चल चल साले, मेरी लौंडिया को छेड़ता, अबू हाशिम की लौंडिया को तुझे पता ना है? अबे हो अबू काशिम, बांध निकल गया साले, आज तेरा इंतकाल करूंगा। क्या बात अबू हाशिम, आज पूरा यमन अपने सिर पे उठा रखा है, लगता है बेगम ने चाय नाश्ता नहीं कराया क्या? इसे अपने लोंडे को समझा ले, मेरी लोंडे को छेड़ लिया ये। अपनी लोंडिया को संभाल ले पहले, उसे कुटिया से ज्यादा आगर रंडी को, यहाँ को आया शिकल को लेके भाड़ो। आऊं अभी, मैं थपड़ाऊं हाँ आगे। जब हम आदमी आदमी बात कर रहे हैं तू क्या लड़ ले रही है? दोबारा बता, मुझे पहले समझ में आई थी। अब ओ गंदे, इसे अपने लोंडे को समझा ले, नहीं तो साले पे जूता फेर दूंगा। अबू हाशिम, एक हाथ से कभी तालियां नहीं बजती, मुझे पहले से ही शक था, तेरी लोंडिया के चूतड़ों में बहुत आ गए, उसे भी तो जाके देख। अबे झाटू, निकाह चाह रही है निकाह। अब तमीज से बोल साले, अन्य तेरा महल सारा कटरे की गाड़ में घुस दूंगा। अबू हाशिम, इससे पहले हम तुम्हारे चिल्ड्रंस की माँ चौथ दे, तबान हो जाओ हमारे महल से। अबे मैं थूकता हूँ ऐसे महल पे, तेरी माँ का साले सोए पोछा लगाया ऐसा वाइपर दे रहा है। पोछा लगा वाइपर देके मार दे। लैला से अपना ब्रेक फेल कर लो। मतलब? अरे ब्रेकअप को कह रहे हैं, मतलब लैला से अपना नाता तोड़ लो। नहीं अब्बा जान, ये नहीं हो सकता, दिस इज माई सेक्सी लेडी, आई डोंट ब्रेक अप, डेली नाइट फकिंग। अबे अपनी मोहब्बत को घोंसले अपनी गांड में, यहाँ साले नाक कट गई मेरी जानदर। अरे तुम्हारी गांड भी कट गई, नहीं मैं अपनी मोहब्बत को नहीं भूलूंगा। अमीरे आला, खुदा ने इन्हें मोहब्बत का फरिश्ता बनाकर भेजा है, समझा करो बात को यार। साले मुकद्दम, चढ़ाता रहकर इसे, आज तक समझाने की बात करी है तूने? कैस, अगर अबू हाशिम का लोंडा कल कलाकू तेरी अम्मी को छेड़ गया, तेरे पास जवाब है? अगर तू किसी की बेटी पर गलत निगाह डालेगा तो तेरी पे भी कोई डालेगा। कुछ भी हो अब्बा जान, मुझे सिर्फ लैला चाहिए। लैला चाहिए? चल तो दफान हो यहाँ से। हट साले, आज से मैं तुझे बेदखल करता हूँ अपनी जायदाद से। तुम्हारे प्यार से तो बढ़िया, मेरी लैला का ही प्यार है। साले वापसी रखने की सोच रहे थे तुझे, लेकिन हम निकाल लूंगा। निकल जाए यहाँ से, महल में से, आज के बाद यहाँ पर कदम मत रख दिए, या तो लैला का हो जा या अपने बाप का हो जा। अमीरे आला, सोच लो, लोंडे की मोहब्बत है। ए भाई, तू जो हर जगह मुकद्दम बनता है, अगर तेरी लोंडिया किसी के साथ ये वाला नाटक कर दे तो क्या करेगा तू? फाड़ कर डाल दूंगा, लाश का पता नहीं लगा देने का हूं, कहां से कहां को हो गई पता नहीं है, दादा बदमाश रह चुके हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवा दूंगा तमाम। तू कहां जा रही है भाई? अलमारी में तो थोड़ी सी सरफी लेकर आऊं। वो सुन,
नंगा जा नंगा कपड़े भी उतार के जा, मेरी कमाई के है ये। चल आइए मास्टर साहब, आइए तशरीफ रखिए, बताइए कैसे आना हुआ। देखो अमीर आला, तुम में दिमाग तो नहीं है बिल्कुल भी जरा सारा, कुछ समझ हो कहते हाथ छोड़ दो दोनों की आपसी बात है। तुम लैला के हाव भाव को समझ नहीं रहे हो। मतलब साफ साफ है लैला मांग रही है केला, वो भी ये लंबा। हाँ तो केले तो भते रहेंगे बगीचे में, लाके दे दो। ओ सीढ़ी के पहली कह रहा था मैं, बिल्कुल दिमाग नहीं है। अबे बिया जा रही है, बिया देख नहीं रहा है कितनी खूबसूरत, कितना गद्दर माल एकदम कंचा। मत करो मेरी तरफ को, मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके फुप्पो के लोंडे से सद्दीक काले से मिंटो से पहले सिकंटो के बाद ब्याह करा दो। मैं कर रही हूँ उससे काले से। काला वाला मत देखे, अगर कैश के साथ भाग गई ना तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये हो जाएगा अबू हाशिम की लोंडिया दुश्मन के साथ भाग गई, सब में थू थू हो जाएगी। इसलिए ये बीच में आग लगा रहा, बस ब्याह कर दो, साबर तो वो भी देगा। और फिर देखो ब्याह होते कैश वैस की गांव पे कैसी संटी फेरता हूँ मैं एक दौरे से। हाँ तो फिर तारीख मुकर्रर की जाए। तारीख बारीख की मामा, चलो कल कोई कर दो। हाँ तो फिर कल कोई कर दो। अमीर आला यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो टहल लिया था, हवा चल रही है ना, टेंशन में भी हूँ। हवा ऊपर को देखियो, एक पत्ता तक नहीं हिल लिया और सूरज इतनी तेज पड़ लिया, सच बताओ बात क्या? अरे वो शकीना भाई इधर से गुजरने वाली हैं। बहुत सही, ताड़ लेता। ओहो इस उम्र में भी बात नहीं आओगे तुम अमीर आला? अपने लड़के को घर से निकाल दिया, गुफ्तगू करनी है। तुमने अपना लोंडा तैड़ पैड़ घर से बाहर निकाल रखा नक्शेबाजी में, कोई अच्छी बात है तुम्हारी? अगर दूसरे मुल्क के बादशाहों को इस बात का इल्म हो गया तो क्या इज्जत रह जाएगी कद्दू? तुमने कैश की आंख में जरा भी झांक के नहीं देखा, किस कदर तड़फ है इस चीज की। मैंने अपनी आंखों से गुसल खाने में उसके गाढ़ा शैम्पू देखा पड़ा हुआ। शैम्पू तो गिर जाता है, हमसे भी कई बार पैकेट फाड़ते हुए गिर गया था। शादी करना चाह रही है वो? अबे तो मैं उसका जेठ हूँ या उसका दुश्मन हूँ, मुझसे क्यों ना कहता तुझे मुकदम बना के भेज दे। लेकिन भोफड़ी का हाशिम की लोंडिया के चक्कर में लगा हुआ लैला पहला, बहन की लोड़ी उखाने पहनने की तमीज नहीं उन्हें। तुम्हें पता ही है अपना तो रोज तीनों टाइम मुर्गे मुसल्लम चलता, घास फूस खाने वालों पर मैं नहीं करूँगा। देखो लड़की को बिगाड़ने में माँ का हाथ होता, हाशिम को बहू को ले लो, कोई सी ऐसी बटिया कोई सी ऐसी ईग न छोड़ी जिसमें वो ना लोड़ी बहन की लोड़ी। बदतमीज खानदान में नहीं करूँगा, एक से एक शानदार आली गोरी चिट्टी, आदमी की भूख भग जाए, इतनी खूबसूरत लोंडी है हमारे खानदान में। ये इशारा कर खूब बढ़िया शादी करेंगे हम तो। लैला पहला से अपना हिसाब नहीं है। मास्टर साहब हमारा भी कुछ स्टेटस है, भले ही हम व्हाट्सएप पे नहीं लगाते। ऐसे काम नहीं चलेगा, शादी तो करवानी पड़ेगी। शादी कर देंगे समझा कर देख लो, लेकिन लैला पहला सा करेगा तो अपना थैला ठाका यहाँ से दफान हो जाएगा। लैला से अगर शादी करी तो हम उसके बाप नहीं, वो हमारी औलाद नहीं। हमारे लंड में आज भी इतनी जान है, हम दूसरा लोंडा पैदा कर लेंगे, सोच लेंगे वो फड़ेगा हमारी। जाओ समझा कर देखो। यार तुम्हारी मतलब दोनों बाप अपने अपने बच्चों की शादी कराने पे लगे हुए हैं, है ना? लाइक मूवी हम लोग ने जब देखी थी, मैं मूवी से थोड़ा कंपेयर करती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि लैला मजनू जो आइकॉनिक मूवी थी, है ना, तो उससे इंस्पायर्ड होकर ये वीडियो बनी है। बट बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, लैंग्वेज का फेरबदल है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए उससे कंपेयर करती हूँ कि हाँ वहाँ पे लैला की शादी तो हो गई थी बट कैश जो था वो ऐसे ही रह गया था और मतलब पागल सा हो गया था उसके प्यार में, ठीक है। और पागल को ही अरबिक में, शायद अरबिक में या फारसी में, मतलब मजनू कहते हैं, इसीलिए लैला मजनू ये वीडियो बनी थी, ठीक है, मतलब उसका नाम पड़ गया था। तो लैला की शादी तो हो गई थी बट इनसे शादी कौन करता, ये तो फिरे फिरे फिर रहे थे, है ना, कि हाँ नहीं मुझे तो लैला से ही शादी करनी है, लैला से ही शादी करनी, ये वो। और भैया घर से निकालते कह रहा अलमारी में से अशरफिया लेके आओ थोड़ी सी के कपड़े भी उतार के जा, मेरी कमाई के निकल यहाँ से, हे भगवान।
और हमारे खानदान में एक से एक गोरी आली खूबसूरत लड़कियां हैं। अरे गोरी लड़की ही सिर्फ खूबसूरत होगी क्या है? ये किसने कहा है? कौन सी किताब में लिखा है भाई? गोरापन ही सबके लिए बहुत अच्छी चीज है ना, कि हाँ बस गोरापन होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गोरे ही होनी चाहिए, है ना। तो फिर भैंस का दूध क्यों पीते हो भाई? भेड़ का पिया करो। आता है यार, सफेद तो साला सुअर भी होता है। मतलब क्यों कलर कॉन्ट्रडिक, जो रंग भगवान ने देकर तुम्हें भेजा है उस रंग की बेइज्जती करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हद है यार। सो आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और इसका थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।